हेलो दोस्तों, आप लोग का ESG Tech में स्वागत है। आज मैं आप लोग को पूरा पूरा कार्बन जो कंपाउंड चैप्टर है, देखोगे यहाँ पर पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो चीज़ है वो चीज़ लेकर आ चुका हूँ। अगर इतना पूरा वीडियो देख ले तो देखोगे ये पूरा पूरा 21 का है, ये सब आया हुआ है, प्लस बहुत सारा इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंस है जो आप लोग को बस इतना ही अगर कर लेते हो तो आप लोगों को पेपर में इस चैप्टर से और भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इसके लिए बोलता हूँ जिसका कुछ भी नहीं हुआ है इस वीडियो को लास्ट तक देख ले, 110% मैं गारंटी लेता हूँ उसका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो कार्बन कंपाउंड हो उसमें से क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक आप लोगों को कार्बन की जो है प्रॉपर्टी याद करना रहेगा। कार्बन की प्रॉपर्टी से चार पॉइंट, ध्यान से सुना, कार्बन की जो प्रॉपर्टी है से चार पॉइंट याद करके रख लेना। बस आप लोग को यहाँ पर कार्बन की हो गई, उसके बाद आप लोग को अब यहाँ से सुनना रहेगा। देखो एक यहाँ पॉइंट दिया गया है, ए चीज क्या लिखा गया ध्यान से सुनना, कार्बन का यहाँ एटम्स दिया गया, कार्बन का सिक्स है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टू और सिक्स हो जाता। अगर इसकी वैलेंसी का बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, फोर होता है। अब अगर बात किया जाए कैसे इसको पहचानेंगे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी रहता उसी को वैलेंसी बोला जाता है, याद रखना। और उसके बाद आप लोग को यहाँ एक दिया गया है हीलियम और यहाँ पर एक दिया गया है नियॉन, इस तरीके से आप लोग को दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके नीचे आप लोग देखोगे आप लोग को क्या करना रहेगा, बस इसको नियॉन और हीलियम को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के रखो, उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अब यहां से आ जाओ, आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंस यहां से जो जो बता रहा हूँ बस उसको करते चले जाओ। देखो ये चीज़ आप लोग को क्या चीज़ यहाँ पर लाइन स्ट्रक्चर दिया गया है और आप लोग को यहाँ पर इथेन दिया गया, क्या किया गया इथेन। देखो एक चीज़ बता दूँ, एन ई, एन सिंगल बॉन्ड, ई एन ई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा मेरा वाई एन ई, याद रखना है ये तीनों वेरी वेरी आई एम पी आप लोग को एन इन आइन है। अब इसमें देखो आप लोग को इथेन दिया गया है, आप लोग को सब कुछ समझ आएगा किस तरीके से, पहले मेथ आता है मीथेन फिर इथेन। देखो यहाँ पर दो दिया गया है, दो कार्बन लिख दिया गया और दो कार्बन के पीछे, एक कार्बन के पीछे चार हाइड्रोजन रहते हैं। सिंपल सा एक ये हाइड्रोजन लग चुका है, यहाँ पर यच, यहाँ पर यच, यहाँ पर यच और यहाँ यहाँ, आप लोग सिंपल से यच लग गया तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बस इस तरीके से और नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर सुना जो मेन है आप लोगों को समझने की बात है, यहाँ पर है सबसे पहले आप लोग देखोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक, नॉन, डेक, इस तरीके से आप लोग को दिया गया है। इस सीक्वेंस वाइज आप लोग लाइन से याद करना रहेगा। अगर मीथेन रहेगा तो एक कार्बन, इथेन रहेगा दो कार्बन, प्रोपेन रहेगा तीन कार्बन, ब्यूटेन रहेगा तो चार कार्बन, पेंटेन रहेगा तो पाँच कार्बन, हेक्सेन रहेगा छः, हेप्टेन सात, ऑक आठ, नॉन आप लोग नौ, डेक यहाँ दस। और इसको कैसे देखो एक मैं आप लोग को बताता भी हूँ। देखो यहाँ पर देखो एक बनाया भी गया है, अगर मीथेन रहा याद रखना कभी भी एक कार्बन के पीछे चार हाइड्रोजन कंपलसरी लगाना है तो लगाना है, चार हाइड्रोजन कंपलसरी आप लोग को यूज करना है। अब देखो यहाँ पर एक था तो सिंपल से यच इसे हम लोग लगा दिए यच, और ये यहाँ पर यच 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 और यच, और इसका क्या हो जाता है पेपर में देखो क्या क्या पूछ सकता है आप लोगों से, एड आप लोग को हो सकता है नाम दे दे और ऐसा डायग्राम बनाने के लिए बोल दे स्ट्रक्चर और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे उसको ध्यान से सुना। सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पर अगर मुझे प्रोपेन बनाना, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, और तीन कार्बन देखो यहाँ पर मैं दूसरा ले लेता हूँ कलर थोड़ा सा जो आप लोग को दिखे। देखो एक दो तीन, तीन कार्बन ले लिया। अब प्रोपेन हमको बनाना है एन, देखो ए एन ई सिंगल बॉन्ड ही हमको बनाना है ये चीज़। अब देखो एक दो तीन, यहाँ पर ऐसे ऐसे सब जगह ए इसके यच यच यच, यहाँ पर भी यच, यहाँ पर भी और यच, यहाँ पर भी और एक यच यहाँ पर, यहाँ पर
इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पर आप लोग को कितना हो गया, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो सी थ्री मोलिकुलर नाम सी थ्री और एच कितना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कितना है देखो ध्यान से, तीन तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आप लोगों को यच क्या लिखना है, यच एट। इस तरीके से आपका क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। याद रखना ये चीज़ क्या बन गया, आप लोगों को प्रोपेन बन गया इजली। और उसके बाद आप लोगों को इसमें से बस आप लोग को आईपीसी नेमिंग क्रेचर लिखना है, आप लोग को एक स्ट्रक्चर बनाना है और फार्मूला लिखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर देखो यहाँ पर डेकेन का अगर बात किया जाए, डेकेन का किस तरीके से सिर्फ यच यच जोड़ना है सब में। याद रखना कभी भी लाइफ में आप लोगों को सिंपल से एक सी दिया रहेगा, उसके पीछे चार हाइड्रोजन लगना कंपलसरी है। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से करना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो आप लोग को दिया भी गया है, देखो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंस है, साइक्लिकल हेक्सेन दिया। देखो हेक्सेन मतलब अभी जस्ट बताया, हेक्सेन का मीनिंग है छह हाइड्रोजन, छह कार्बन, छह कार्बन। देखो कैसे हो गया, देखो इसको साइक्लो, साइक्लो मतलब क्या होता है, साइक्लिकल। कैसे बनाओगे देखो एकदम ध्यान से देखना, सबसे पहले आप लोगों को सिंपल से क्या करना रहेगा, एक 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 इस तरीके से आप लोग को लिखना रहेगा। उसके बाद यहां पर छह हो गया, अब हाइड्रोजन, अब आपके मन में आता रहेगा डाउट ए कहाँ से हाइड्रो, देखो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह हाइड्रोजन क्या करना है अपने को लिखना है, हाइड्रोजन लिख देना हर जगह। अब हाइड्रोजन जब लिख दोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, देखो सबके, और यहाँ पर एक एक जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पर अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए तो देखो छः कार्बन हो जा रहा है सिक्स सी सिक्स, एच कितना हो जाएगा ट्वेल्व, एच ट्वेल्व, ए मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और उसका अगर स्ट्रक्चरल ए बन गया स्ट्रक्चर, और उसका पैक नेम साइक्लिकल हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन याद रखना। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर स्टेट चेन दिया, अब पेपर में आएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सब कुछ बताऊंगा। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर प्रोपेन बनाया है, प्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या होता है, तीन कार्बन। देखो यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को सिंपल से, देखो ईसा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर क्या लिखा गया, तीन कार्बन लिखा गया है, एक दो तीन, तीन कार्बन लिखने के बाद अब एक, देखो एक दो तीन, इसके एक, क्योंकि एक ऑलरेडी पहले यहाँ दो लग गया, फिर इसके तीन, इस तरीके से लगने के बाद ये बन गया हमारा, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया सी थ्री एच एट। बस आप लोग को हो सकता है ये चीज़ आप लोगों को हाइड्रोकार्बन सिंपल सा प्रोपेन बोले तो ये डायग्राम बनाना रहेगा, अगर अनसेचुरेटेड बोलेगा सिंपल सा प्रोपेन बनाने के लिए तो हम लोग को कहीं ना कहीं क्या करना रहेगा, डबल बॉन्ड लगाना रहेगा। याद रखना कहीं ना क्या, कहीं ना कहीं आप लोग को डबल बॉन्ड, देखो इसको सिंपल सा आगे भी लगा सकते हो, देखो यहाँ पर लगा दिया, अब देखो दो इधर हो गया, तीन प्रोपेन, प्रोपेन मतलब मेथ एथ प्रोप, तीसरे नंबर पे तीन नंबर, तो एक दो तीन कार्बन ले लिया, और यच और यच इसके दो कैपेसिटी पहले से थी, एक दो हो गया, और यहाँ से तीन हो गया, एक बचा था इसका चार हो गया, एक यहाँ लगा है तीन इसका बचा है, तो ये भी सी थ्री, और यहाँ पर यच सिक्स हो गया। और प्रोपाइन बनाना हो तो सिंपल सा प्रोपाइन ईजिली यहाँ पर लिखा गया, देखो तीन आप लोग को कार्बन बॉन्ड यूज़ करना रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंपल तरीका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जब यूज़ करने वाले हो तो ईजिली आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सी सी, आप लोगों को तीन प्रोपेन एक दो तीन, और इस जगह पर क्या यूज़ करना है, तीन बॉन्ड, तो इसका तो एक ही बाकी और इसका चार हो चुका और इसका तीन, तो इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद ब्रांचेस, अब ब्रांचेस क्या होता है याद रखना, ब्रांचेस ईजिली आप लोग को समझ में आना चाहिए, ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस जब भी आप लोगों को पेपर में आइसो बोले, याद रखना जब भी आप लोगों को पेपर में आइसो बोलेगा तो ईजिली आप लोगों को तीन, आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर आइसो ब्यूटेन बोला है, ब्यूटेन मीनिंग है चार, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आप लोगों को सिंपल से एक दो तीन चार, चार हो गया, बट हमको चौथा वाला नहीं लेना है क्योंकि हमको सिंपल सा आइसो ब्यूटेन,
उसको बोला जाता है ब्रांचेस चैन भी बोला जाता है, याद रखना। अब यहाँ पर एक दो तीन और एक हमको ब्रांच जोड़ना है, तो हम ब्रांच यहीं पे जोड़ देते हैं सिंपल सा सी। देखो जोड़ दिए, अब जोड़ने के बाद सिंपल सा हमको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड सब में दौड़ा देना। अब देखो, अब इसको एक तो लग चुका है, अब यहाँ पे तीन यच यच यच, और यहाँ पर भी इसको जाएगा तीन यच यच, और एक एक यच यहाँ बनेगा। इसको देखो एक दो तीन, बस एक यच, और यहाँ पे तीन। देख लो इतना इजी है ये, आप लोग का सिंपल तरीका। ए बन गया आइसो ब्यूटेन बन गया। अब ब्यूटलिन ऐसे सेम आप लोगों को आइसो ब्यूटलिन। अब ब्यूटलिन का मीनिंग क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंपल तरीका। देखो यहाँ पर एक ना एक जगह डबल बॉन्ड, सेम आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के एक जगह डबल बॉन्ड लिख सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं कि आप लोगों को इसी तरीके से डायग्राम बनाना, सिंपल से ऐसा भी बना सकते हो। देखो सी सी सी, और एक यहीं पर डबल देके सी लिख सकते हो इसलिए। और यहाँ पर बस आप लोगों सिंपल सा इसको ऐसा कर सकते हो, यच 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 हो गया। इसको ये कि इसको तो ऑलरेडी है, सिंपल से एक दो तीन चार ये हो चुका है, फिर यच फिर यच फिर यच, और इसको दो चाहिए तो एक यच और एक यच। समझ गया, ए भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। उसके बाद यहाँ साइक्लो, अब जब भी बोलेगा साइक्लो तो आप लोगों को समझ लेना साइक्लो, अभी जस्ट बताया था साइक्लो मतलब क्या है, एक साइक्लिकल जिसके अंदर छह कार्बन आना चाहिए, और हेक्सेन, हेक्सेन मतलब छह कार्बन, पेंटेन भी, साइक्लो पेंटेन भी बनता है याद रखना। यहाँ साइक्लो छह कार्बन लिख दिया और एक एक, एक जॉइंट है दो दो कार्बन लगा दिया, इस तरीके से इजिली क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सीन दिया गया, हेक्सीन मतलब एक जगह पर क्या करना है आप लोगों को, डबल बॉन्ड यूज़ करना है याद रखना। उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर साइक्लोपेंटेन दिया, देखो पाँच ही, एक दो तीन चार पाँच, तो ईजिली साइक्लो मतलब एक साइक्लिकल रहना चाहिए, बस यही समझ के रखना। अब उसके साइक्लिकल हो गया। अब उसके बाद बेंजीन आया, बेंजीन का मीनिंग क्या होता है, देखो C6 आप लोगों को छह कार्बन रहना चाहिए, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से हो गया इजिली आप लोगों का। अब उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ दो, एक एक हाइड्रोजन लग गया इजिली। ये साइक्लो ये आप लोगों का बेंजीन बहुत बार पूछा गया है याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उसके बाद अब यहाँ पर आता है फंक्शनल ग्रुप, इसको किस तरीके से याद किया जाए बहुत सारा टेंशन होता है। देखो ध्यान से, अब हाइलोजन जो ग्रुप रहेगा हमेशा एनी टाइम, जो हाइलोजन ग्रुप रहेगा एनी टाइम आगे जुड़ने वाला है याद रखना। क्लोरो क्लोरो क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो ब्रोमो आइडो, याद रखना क्लोरो ब्रोमो आइडो, Cl क्लोरो Br ब्रोमो I से आइडो आयोडीन याद रखना आयोडो। अब उसके बाद अल्कोहल को, अल्कोहल आप लोग याद रखना अल्कोहल इस तरीके से इसको याद रखना, अगर कहीं जुड़ा हो OH, और एल्डिहाइड आप लोगों CHO जुड़ा रहेगा, कैटोन कैसे जुड़ा रहेगा C, देखो यहाँ पर CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों COOH जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे आप लोगों ईथर कैसे जुड़ा रहेगा ओ से, ईस्टर आप लोगों COO से, और अमाइंस आप लोगों सिंपल से NH2 से जुड़ा रहेगा याद रखना आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ए लाइन याद करना, कौन कौन सा लाइन, AK और AK और AK, बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब पेपर में एक आएगा होमोलैंग्वेज सीरीज का, होमोलैंग्वेज सीरीज क्या है उसको एक शॉर्ट नोट आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंस है पेपर एग्जाम के लिए, याद करके ही रख लेना। उसके बाद आप लोग और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर एक IUPAC नेमिंग क्रेचर दिया गया, इसको एक बार एटलीस्ट एक बार याद करना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, याद करके रख लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, देखो ए डायग्राम जितना दिया गया सब कुछ मैं 21 को भी लेकर आया हूँ 2024 का। देखो यहाँ पर आप लोगों को तीन कार्बन है, एक देखो एक दो तीन, तीन कार्बन है, सिंपल सा आप लोगों को पेरेंट्स नेम लिखना है, प्रोपेन हो गया, एक दो दो है तो मेथ के बाद एथ आएगा, इथेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है ना, एक दो तीन आप लोगों को इथेन मिथेन प्रोपेन हो गया,
और एक दो तीन चार है तो ब्यूटेन हो गया, और यहाँ पर एक दो तीन प्रोपेन हो गया, और यहाँ पर प्रोपीन हो गया, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो गया। बस इसलिए आप लोगों को स्टेट चेन का आप लोगों को सिंपल सा नाम लिखना था, क्या क्या है नाम याद रखना, कोई भी वर्ड भूले ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखो किस तरीके से जोड़ोगे, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया। देखो सबसे पहले आप लोगों CH2OH जुड़ा, इसको किस तरीके से लिखोगे वो चीज़ यहाँ पर देखो। आप लोगों को इथेन दिया गया है, इथेन इथेन प्रोपेन इथेन, ये पेरेंट्स नेम है, क्या चीज़ है याद रखना। अब यहाँ पर इथेनॉल, अगर अल्कोहल है तो ओएल, अगर क्लोरो है तो सीएल, ब्रोमो है तो बीआर, और यहाँ पर एएल, और उसके बाद आप लोग नॉल दिया है प्रोपेनॉल, और यहाँ आइसो, देखो यहाँ ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड था तो वहाँ से उठाएं ओ आई सी, अमाइंस AMINE अमाइंस, मिथेन अमाइन याद रखना, मिथेन अमाइन, और ए है आप लोग को वन प्रोपेन वन याद रखना, भूलना मत। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट से देखो, एक दो तीन तीन दिया और वहाँ पर OH ज्वाइंट किया, तो देखो अल्क्रोमो ब्रोमो आइडो ये आगे जुड़ते हैं और बाकी सब पीछे जुड़ेंगे। अब इसका कैसे करोगे, देखो यहाँ पर प्रोपेन हो गया और यहाँ पे टू कितने नंबर पे ज्वाइंट है, दूसरे नंबर पे, क्या ज्वाइंट है OH अल्कोहल, तो हम लोग सिंपल सा प्रोपेन टू ऑल लिख देंगे याद रखना। और यहाँ पे देखो कितने कार्बन्स हैं, एक दो तीन चार पाँच, बट आपको जहाँ से बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है ब्रांचेस जहाँ पे नियर बाय जुड़ा है वहाँ से काउंट करेंगे। इस साइड से काउंट कर रहे हैं पाँच आ रहे हैं, इस साइड से कर रहे हैं दूसरे पर आ रहा है, ध्यान से देखोगे इस साइड से कर रहे हैं हमारा कितने पर आ रहा है, दूसरे पर ही आ जा रहा है, तो हम यहीं से जोड़ेंगे। देखो दो क्लोरोपेंटेन, क्लोरो CHLOR पेंटेन याद रखना, टू क्लोरोपेंटेन। अब यहाँ पर देखो दूसरे पर क्या जुड़ा है, ये चीज़ ऑन CH3, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है तो पेंटेन हो गया। अब यहाँ दूसरे नंबर पे एक दो, दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है आप लोग को यहाँ पर जस्ट अभी सब बताया, ONE किसको बोलेंगे, ONE ऑन, इसको बोलेंगे ए सी ओ को, जो यहाँ पे देखो सी ओ जुड़ा है, सी ओ डबल बॉन्ड वाला याद रखना, भूलना मत। अब यहाँ से आप लोगों बस इसका यूजेस याद कर लो, बस बात ख़त्म हो जाएगा। ये वाला डायग्राम कैरी बैग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन का याद रखना, इथिलीन, आप लोगों पूरा पूरा ये चीज़ बस ये क्या यूजेस है इसको याद करके रखना। उसके बाद अब आ जाता है यहाँ पर आप लोगों 21 से क्या क्या पूछा गया था 2019 में, बहुत इम्पोर्टेंट से याद रखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबसे पहले यहाँ इथिलीन दिया गया है, इसको सी देखो इथिलीन, अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है देखो, ऐसे सेम मेथ के बाद एथ डबल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पर इथेन हो गया, क्या हो गया IUPAC नेमेनक्लेचर, इथेन एक कॉमन नेम है बट हमको ये चीज़ क्या बना है, इथेन बना है, एसिटिक एसिड, तो हमको यहाँ पर CH एसिड, देखो CH3 ऑलरेडी दिया था CH3 और C देखो COOH यहाँ इथोनिक एसिड, इथोनिक एसिड, अब यहाँ मिथाइल अल्कोहल दिया गया है तो मिथेनॉल, मिथेनॉल लिख देंगे हम लोग, OL जोड़ देंगे, CH मेथ CH3 OH हम लोग को सिंपल सा लिखना रहेगा, आया हुआ पेपर में इसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से देखो 2024 का। अब देखो यहाँ पर ये पांच नंबर में कंप्लीट करने के लिए आया था, क्या चीज़ था देखो यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, इसको आप लोगों यहाँ इथेन था ये चीज़ हो गया, इथाइन था इस तरीके से हो गया, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इथोनिक एसिड था इस तरीके से हो गया, मिथेनॉल था इस तरीके से, प्रोपेन टू ऑल था ऑन था, तो सी ओ दूसरे नंबर पे जुड़ा था इसके लिए यहाँ पर ONE लिखा गया है, कैट
ऐसे टोन था, ऐसे टोन तो हम लोग सिंपल सा ओ या नी इसमें से निकाल लेंगे, दूसरे नंबर पे ज्वाइंट है, याद रखना। अब ये पिछले साल आया था। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को सिंपल से यहाँ देखो हाइड्रोकार्बन्स के दो टाइप्स, पहला सैचुरेटेड और यहाँ अनसैचुरेटेड भर दोगे। अब यहाँ सैचुरेटेड के अंदर क्या आएगा ओ चीज ध्यान से सुनना, अल्केन आएगा और यहाँ अल्किन और अल्काइन आ जाएगा। इसका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया, देखो हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अल्केन अल्किन अल्काइन, ये फार्मूला याद रखना CnH2n+2, ये हो गया अल्केन का। और एक एग्जांपल इथेन, अल्किन का CnH2n और इसमें इथेन, और यहाँ Cn अल्काइन का CnH2n-2, और लोगों सिंपल से यहाँ क्या हो जाएगा इथाइन हो जाएगा, याद रखना। अब उसके बाद आप लोगों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस था। अब यहाँ पर एक कंप्लीट करना आप लोगों सीरीज, देखो कंप्लीट कैसे करना है C2, देखो यहाँ पर लिखा है C2H2। अब मेथ के बाद क्या आता है एथ, सिंपल से ये चीज़ नहीं मैटर, हमको अल्काइंस दिया गया है याद रखना, हमको होमोलोगी सीरीज को कंप्लीट करना। तो यहाँ क्या आ जाएगा C3H4, सब नंबर कार्बन का एक एक बढ़ेगा, हाइड्रोजन का दो दो बढ़ते चले जाएगा, देख रहे हो इस तरीके से इजीली आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है देखो ये भी चीज़ क्या चीज़ बोला गया, देखो ध्यान से सुना एक भी पॉइंट मिस ना हो, यहाँ हाइलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो लिखा गया है, ये चीज़ आप लोग को जॉइंट वाला है स्ट्रक्चर में याद रखना। अब यहाँ पे लिखा है क्लोरोमीथेन CH3Cl क्लोरोमीथेन, और ऑक्सीजन OH लिखा गया है और इथेनॉल हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन अमाइंस दिया गया है, ये सब पेपर में आया नहीं बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखो CH ये क्या हो रहा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईजिली इस तरीके से आपका जितना था वो चीज़ मैं बता दिया। अब इसके अंदर से एक्सरसाइज से बस डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से अगर कर डालते तो 110% गारंटी लेता हूँ आप लोगों का पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।